हेलो बच्चों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग डीपीपी सीक्वेंस एंड सीरीज की डीपीपी के कुछ सवाल डिस्कस करेंगे जो आप ही लोगों के यहाँ से डाउट आए हुए हैं। क्योंकि पहला सवाल है आपका, यहाँ पे अगर हम लिखे तो यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है दो सी टू का, डीपीपी वन का सी टू का क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। वो दोनों क्वेश्चन के देखिए, डीपीपी वन का जो सी टू सा प्रॉब्लम है उसके यहाँ पे दोनों के डाउट हम लोगों को सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बगल में आपका ये आंसर लगा हुआ है, ये इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसके डाउट करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1 + 2/3। पहले तो ये सीरीज देखो, सीरीज जो लिखा हुआ है एस, उस सीरीज को ध्यान से लिख लीजिए। ये सीरीज लिखा हुआ है यहाँ पे कहाँ से शुरू किया हुआ है सीरीज, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीरीज आपका शुरू किया हुआ है 1 + 1। पहला सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये सीरीज आपका शुरू कर रहा है 1 + 2/2 + 3/2² + 4/3 2 की पावर 3 + ……। अप टू एनए टर्म, अगर मैं यहाँ पे एनए टर्म लिखूँ तो देखो ये ऊपर में 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब चौथे वाले पे 4 है, तीसरे वाले पे 3 है, दूसरे वाले पे 2 है, पहले वाले पे 1 है। तो यहाँ ऊपर में हो गया है आपका एन। नीचे में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 की पावर 0 है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में 2 है, चौथे वाले में आपका 3 है, यानी आपका nth वाले में 2 की पावर n-1 होगा। ये क्लियरली आपको दिखा रहा है कि अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, AGP है। और AGP को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, तो AGP को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन रेशियो से फिर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। और इस AGP का कॉमन रेशियो आपका CR दिख रहा है, वो है 1/2, तो उसी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना होता है, लेकिन एक एक टर्म छोड़ के। जैसे देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक एक टर्म छोड़ के, वापस ये हो जाएगा। इसमें हम लोग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2s, एक टर्म छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/2². इसमें देखिए यहाँ पे अगर जहाँ पे कुछ नहीं है, फिर वापस मैं स्टार्टिंग से सवाल लिख देता हूँ। देखिए ये है आपका यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले वाले टर्म में अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, पहले वाले टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे ये 1/2 हो गया, यहाँ पे 2/2 था। अब दूसरे वाले टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2² हो जाएगा। फिर तीसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और एक एक टर्म छोड़ के लिख रहे हैं, तो ये 1 3/2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस अगला वाला 4/2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हर टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और यहाँ पे एक पीछे वाला टर्म होगा n-1 में आपका 2 की पावर n-1, और लास्ट वाले टर्म में जिसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे n/2 की पावर n हो जाएगा। अब इनको हम लोग नीचे रख के सिंपली क्या करना होता है, तो घटा देना होता है, डिफरेंस कर देना होता है। कई बार इसको लोग मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर राइट साइड में क्या हो गया, s-1/2s आ गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस। देखो 2/2 में से 1/2 निकालेंगे तो +1/2 आ गया, प्लस 3/2² में से 2/2² घटाएंगे तो ये बचेगा 1/2². फिर अगला 4/2³ में से 3/2³ घटाएंगे तो ये बचेगा 1/2 की पावर 3 +……। ऐसे ही लास्ट वाला बचेगा 1/2 की पावर n-1, और बिल्कुल सबसे आखिरी वाला हो जाएगा, इसमें से आपका कुछ नहीं घट रहा है, तो -n/2 की पावर n। ये तो घट के हो गया 1/2s। अब जरा देखिए यहां से कुल कितने टर्म है, अगर ये कोई पूछे कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने, देखो आपने जो ये लिखा है ये 1 वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 से लेके यहाँ तक आपका कुल n टर्म थे, और आपने यहाँ तक ही लिखा हुआ है ये, तो ऊपर 1 से लेके आपने ये टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आपके यहाँ पे n। अब जो बच गया उसका आपको सीधे सीधे देखिए, तो इसका ये एक GP है और इस GP का कॉमन रेशियो CR है 1/2। फार्मूला हो जाता है, ये तो 1/2s है, फार्मूला हो जाता है क्या, अगर फार्मूला आपको याद हो तो AR की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। ये दूसरा वाला लिखते हैं, ये वाला नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर R की वैल्यू 1 से कम होती है तो आप लोग लिखते हैं दूसरा वाला फार्मूला। यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा ए वन माइनस आर की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन वन माइनस आर, और ये माइनस एन अपॉन टू की पावर एन अभी भी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे लोग क्या हो गया, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इसको मिलाए तो ये लिखा हुआ है वन अपॉन टू ए, ए के जगह पे है यहाँ पे वन, तो ये हो गया आपका वन बाई टू एस बराबर ए के जगह पे है वन इंटू यहाँ पे हो गया वन माइनस आर के जगह पे वन बाई टू की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई टू माइनस एन अपॉन टू की पावर एन। मतलब फाइनली क्या आ गया ये, तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये चीज आ चुका है आपका, देखिए वन बाई टू एस तो ऐसे ही है, ये वन बाई टू एस हो गया प्लस ये वन माइनस वन बाई टू टू हो गया, तो ये टू ऊपर जाके बन गया टू, यहाँ पे हो गया वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन। अब ये टू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया माइनस, यहाँ पे और भी है माइनस एन अपॉन टू की पावर एन, अब एन से ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, टू से क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हो गया फोर वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस एन अपॉन टू की पावर एन, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। यही आपका आंसर यहाँ पे देखो इसी इसी टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसी टर्म में आपका आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसको और उसी आंसर से मिलाना हो तो बच्चे लोग इसको फोर माइनस ये हो जाएगा फोर अपॉन टू की पावर एन माइनस एन अपॉन टू की पावर एन। अब यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं। अब ये भी देखिए इसको भी हम लोग लिख लेंगे एस बराबर, जो भी ये पूरा लिखा हुआ है इसको एस बराबर लिखेंगे, और ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं बगल में क्या लिखा है, वन प्लस थ्री बाई फोर प्लस सेवन बाई सिक्सटीन, क्या लिखा हुआ है देखिए मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर का सवाल लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वन प्लस एस बराबर वन प्लस थ्री बाई फोर प्लस सेवन बाई सिक्सटीन प्लस एक और टर्म देख लेते हैं 15/64 21/31/256 फिफ्टीन अपॉन, यहाँ पे अगला टर्म है 15/64 प्लस 31/256 प्लस डॉट 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 डॉट। जब इनफाइनाइट टर्म तक होता है तो चीजें अपने आप बहुत आसान हो जाती हैं। वजह क्या होता है इसके लिए कि देखिए पहले तो आप इसको थोड़ा सा और ठीक से लिख लीजिए, ये लिखा है वन प्लस थ्री बाई फोर प्लस सेवन अपॉन फोर का स्क्वायर लिखा है प्लस फिफ्टीन अपॉन फोर का क्यूब लिखा है प्लस 31 अपॉन फोर की पावर फोर लिखा है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ तक ये डॉट 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 मैंने क्या कहा, अगर ध्यान से देखो तो ये भी एक ए जी पी है। क्या है ये? ए जी पी है, यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जहाँ पे नीचे में कॉमन रेशियो इसका मल्टीप्लाई किया गया है 1/4 से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि मैं बीच में लिख दिया हूँ तो अगेन यही टर्म मैं एक बार और लिखूंगा, और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म छोड़ के और सीधे सीधे मैं ये घटा दूंगा इसको, तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा 4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। आप कॉमन रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसी सीरीज को एक एक टर्म छोड़ के लिखना चालू करिए, तो 1 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4। क्यों एक एक टर्म छोड़ के लिखते हैं सर? ताकि आपका घटाने में आसानी हो, सेम नंबर सेम डिनोमिनेटर वाले टर्म आपके सामने आ जाए। ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 31 अपॉन 4 की पावर 5। ऐसे ही ये इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा। अब इनफाइनाइट टर्म तक जाने से फायदा ये हुआ कि जब आप घटा रहे होंगे तो ऐसे घटा दीजिए, घटाते समय आपको फायदा हो जाता है। एक तो यहाँ आ गया एस माइनस वन अपॉन फोर एस, आपको आगे के एन एक टर्म के बारे में सोचना ही नहीं रहता है, इसीलिए फायदा हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखिए पहला तो वन उतर गया ऊपर से, वैसे ही 3 में से 1 जाएगा 2/4, फिर 4, 7 में से 3 जाएगा 4/2 4/4 स्क्वायर, फिर 15 में से 8 जाएगा 4/4 क्यूब, फिर आपका ये 31 में से 15 जाएगा 16/4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा। इसमें एक और काम
लेते हैं, फिर इसे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये लिखा है 1/2, ये लिखा है 1/4, ये देखो 64 1/8 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/64 लिखा है, ऐसे ही डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक चला गया, और यहाँ पे घट के हो गया 3/4 × s। अब इसका आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है a/(1 - r)। यहाँ पे r की वैल्यू है 1/2, आपको दिख रहा होगा हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1 - 1/2। कितना आंसर हो गया बच्चे लोग, देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 1/(1/2), 2 उड़ के ऊपर चला गया, तो 3/4 s = हो गया 2, यानी यहाँ से s बराबर हो गया 8/3, ठीक है, आंसर हो गया 8/3, यही आपका आंसर हो गया, देखिए ऊपर में आंसर लगा हुआ था, यही आपका आंसर होगा, देखिए 8/3 दिख रहा है यहाँ पे, यही आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपके क्वेश्चंस अगर AGP के मिलते हैं, तो AGP के सवालों को करने का तरीका क्या होता है, सीधे कामन रेशियो से मल्टीप्लाई करिए, वो एक एक टर्म छोड़ के लिखिए, घटा दीजिए, बाकी जो बचे उसमें आप फार्मूला लगा लीजिए, चाहे GP का चाहे AP का। अब आते हैं अगले सवाल जो पूछा गया है आप लोगों के द्वारा, एक सवाल यहाँ पे है, देखिए ये सवाल पूछा गया है कि फाइंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज जिसका कि rth टर्म दे रखा है, tr बराबर दे रखा है 2r + 1 2 की पावर r, ये बात दे रखा है, बात समझ में आ रहा है। इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं, बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैं अगर r को मल्टीप्लाई कर दूं ना बेटा, तो ये हो गया 2r × r 2 की पावर r प्लस 2 की पावर r, ये tr हो गया, tr बराबर आ गया, ये देखो इसको करने के मेरे पास, मैंने कहा कई दो दो तीन सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके की बात कर दूं, मैं डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके भी ना करता हूं, मैं आपको करता हूं सिंपल तरीके से, जो AGP का जो मैं लेके गया हूं पिछला सवाल, वो ऐसे ही मैं इसको लेके चलता हूँ। पहले हम इसको लिख लेते हैं, सारे टर्म्स को लिख लेते हैं, अगर सारे टर्म्स को लिखेंगे तो s बराबर हो जाएगा r = पुट कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे टर्म्स आप पुट कर दीजिए। जैसे ही अगर आपने r = 1 पुट किया तो ये हो गया 3 × 2 की पावर 1 प्लस जैसे ही 2 पुट किया तो 5 × 2 की पावर 2, फिर 3 पुट किया तो 6 7 × 2 की पावर 3, फिर 9 × 2 की पावर 4, फिर ऐसे ही डॉट 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 एन टर्म तक, तो जब जिस दिन एन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 1 2 की पावर n। अब देखिए ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक AGP, ये भी एक AGP लिखी गई है, क्या लिखी गई है AGP, जिस AGP का कॉमन रेशियो है CR है 2, तो अब इसी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2s, और एक एक टर्म छोड़ के लिख दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 की पावर 2, क्योंकि इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2² हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 की पावर 3, फिर ये हो जाएगा 7 × 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ एक टर्म पहले ही आ जाएगा 2n - 1 2 की पावर n, और आखिरी वाला टर्म 2n + 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर n + 1 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको बच्चे लोग घटा देते हैं, जैसे ही आपने घटाया तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस माइनस, और ये भी हो गया माइनस, और ये भी हो गया माइनस, अब ये तो घट के s - 2s, ये भी हो गया माइनस s - 2s घट के, तो ये हो गया माइनस s, यहाँ हो गया 3 × 2, फिर यहाँ पे हो गया देखो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 × 2² फिर 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 × 2³ फिर 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 × 2 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप देख रहे हो हर बार 2 हो रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 × 2 की पावर n - 2n + 1 × 2 की पावर n + 1, ठीक है। अब जरा देखिए, बस आपका आंसर आ ही चुका है इस सवाल का, देखिए क्या हो गया फाइनली यहाँ पे = ये तो हो गया 3 × 2 = 6। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे काउंट करिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, क्योंकि ये 2 से शुरू हुआ है n तक गया हुआ है, तो n-1 टर्म्स है। इसको एक और ठीक से लिख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस डॉट 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 2 की पावर कितना n+1 माइनस 2n+1 × 2 की पावर n+1,
ध्यान रहे बच्चे लोग, ये एक यहाँ से यहाँ तक एक जीपी है और इस जीपी का कॉमन रेशियो है 2 और इसमें टर्म है एन माइनस वन, क्योंकि आप देखिए 3 से चालू हो रहा है एन प्लस वन तक जा रहा है, तो एन प्लस वन में से 3 घटा दीजिए और प्लस वन कर दीजिए, वही नंबर आप टर्म्स मिल जाएंगे। देखिए एन माइनस टू प्लस वन मतलब हो गया एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी आपको घटाना हो तो पावर में से पहले वाले की पावर घटा दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, वही आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो कितना आंसर हो गया यहाँ पे, माइनस एस बराबर 6+, ये हो गया ए की वैल्यू है। यहाँ पे फार्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये सम का फार्मूला होता है। तो यहाँ ए की वैल्यू है 2 की पावर 3, आर की वैल्यू है 2 की पावर n-1, माइनस वन अपॉन आर की जगह पे है 2-1 माइनस 2n+1 2 की पावर n+1। फाइनली क्या जवाब हो गया है आपका, यहाँ से आ गया माइनस एस इज इक्वल टू, अब देखिए मैं यहीं पे इसी लाइन में आगे बढ़ा देता हूँ, माइनस एस इज इक्वल टू 6+, ये 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n-1 -8 अपॉन नीचे में 1 माइनस 2n+1 2 की पावर n+1। शानदार सा जवाब, माइनस एस बराबर ये क्या हो गया 6+, इन दोनों को जोड़ा गया तो 2 की पावर n-n+2 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया आपका, n+2 हो गया, -8 माइनस, अब जरा देखिए इनको यहां से मल्टीप्लाई किया गया तो n इंटू 2 की पावर n+2 हो गया, -2 की पावर n+1 हो गया। अब बच्चे लोग क्या हुआ फाइनली देखिए, यहाँ पे माइनस एस बराबर देखो 6 में से 8 जाएगा -2, प्लस यहाँ से और यहाँ से 2 की पावर n+2 कॉमन कर लीजिए, क्या हो गया आपका 1 - n बच गया, फिर आपका क्या हो गया तो फाइनली आपका -2 की पावर n+1 हो गया। अब एस माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए सबसे पहले मैं इस वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2 की पावर n+2 n-1, फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 की पावर n+1 माइनस माइनस प्लस, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं A7 पे, ठीक है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है आपका A7, ठीक है ना। यहाँ पे फिर हमारे सामने एक सवाल है आपका A7, इस A7 पे अगर पे हम सवाल पे बात करें तो ये आपके सामने देखो लिखा हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है कि इफ ये 3 नंबर, अच्छा भाई पिछले सवाल का वैसे बाय द वे आंसर से मैच करा दूँ, आपका आंसर ये लिखा हुआ है बच्चे लोग, तो वो आंसर जो हमारा आया है और जो आपका आंसर आया है दोनों सेम है, दोनों के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैच कराएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर n+2 प्लस 2 की पावर n+1 प्लस 2, इनमें से आप 2 की पावर n+1 कॉमन कर लो तो ये हो गया 2 की पावर n+2, यहाँ से आप माइनस 2 की पावर n+1 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे माइनस बाहर आया है तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया प्लस 2। देखिए जो आपका आंसर वहां पे दे रखा था वही आंसर से आपका मैच कर गया, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इस सवाल के तरफ आते हैं, कह रहा है कि ये 3 नंबर्स आपका एपी में दे रखा है तो ए कहाँ से कहाँ तक होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ए बी सी 3 नंबर अगर एपी में होती है तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों किनारे वाले के सम के बराबर होता है। यहाँ पे बीच वाला है आपका a/2, इसका डबल करेंगे बाकी दोनों का सम 5 की पावर 1+x प्लस 5 की पावर 1-x फिर प्लस 5 की 25 की पावर x माइनस 25 की पावर प्लस 25 की पावर -x। अब देखिए बच्चे ये लिखा है 5 × 5 की पावर x प्लस 5 × 5 की पावर 5, बाई 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 क्योंकि माइनस है तो नीचे हो जाएगा, ये है 25 की पावर x प्लस 1/25 की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से आप ये तो बच गया 2 से 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे तो 5 कॉमन कर लिया तो ये हो गया 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x प्लस ये हो गया 25 की पावर x प्लस 1/25 की पावर x। और हम सब ने पढ़ा होगा am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm से कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होती है अगर ये वाला x पॉजिटिव हो तो। यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
तो इसको एक ब्रैकेट में हमने डाल दिया। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू यानी 5 की पावर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 5 की पावर x + 1/5 की पावर x हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा बाई ए एम ग्रेटर देन जी एम से। और वही चीज़ ये 25 की पावर x + 1/25 की पावर x हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसकी भी मिनिमम वैल्यू ले लिया, इसकी भी मिनिमम वैल्यू ले लिया, क्योंकि बाकी तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होने वाले हैं। तो 5 × 2 + 2 आंसर हो गया 12। अब ये मिनिमम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि हमेशा ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया, मतलब आंसर हो गया 12 से लेके इनफाइनाइट तक। देखिए अपने ऑप्शन में कोई है क्या, ऑप्शन में है डी, और इसका आंसर भी दे रखा है बगल में डी। बात समझ में आ रहा है? तो एम ग्रेटर देन जी एम का हम लोगों को भरपूर यूज करना है इस सवाल में। आगे आते हैं, और कोई सवाल है क्या? हाँ एक और सवाल है, ये तो अच्छा सवाल है, ये तो आईआईटी एडवांस में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है। कह रहा है कि एक एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस इस एपी का डी है, और एसके डिनोट कर रहा है फर्स्ट के टर्म का सम, मतलब एसके की वैल्यू हो जाएगी के बाई टू 2a + n-1 का मतलब के माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे k है, k-1 × d। अब सवाल में क्या बोला है कि skx/sx इंडिपेंडेंट ऑफ x। बच्चों से गलती क्या होती है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x देखते हैं ना तो जीरो कर देते हैं। किसको जीरो कर देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे skx/sx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे kx/2, ये हो जाएगा 2a + n के जगह पे kx-1 × d अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए x/2, ये हो गया आपका 2a + x-1 × d। अब देखिए पहले तो ये x/2 से x/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया के, ये हो गया 2a+। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, याद है ना कि इंडिपेंडेंट सुनते ही नाम इस वाले टर्म को जीरो कर देते हैं कि kx-1 = 0 कर दो, फिर आपका सब गोबर गणेश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको जीरो किया ऊपर में तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 1/k, जबकि इसको जीरो किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो ना तो x की दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि x एक ही है, तो यहाँ से x आ गया आपका, यहाँ से x आ गया, अगर x-1 = 0 किया गया तो x = 1 आ गया, तो यहाँ से अलग अलग दोनों वैल्यू आ गई, मतलब हमें जीरो तो नहीं करना था। फिर करना क्या था सर? तो जो करना था वो आगे देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको ऐसा करना है कि बस x आपके सवाल में ना दिखे, और जीरो बनाना इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द वे, किसी को भी जीरो के बराबर पुट कर देना इज नॉट द वे। तो हमने क्या किया, अंदर आपका एक्स से डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2a - d+ ये हो गया dx। देखो अंदर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी को पहले लिख दिया। अब देखिए अब अगर ये जीरो हो जाता तो देखो ऊपर नीचे दोनों जगह जीरो हो जाता, क्या मैंने कहा इफ 2a - d = 0 हो जाता तो ये देखो क्या होता, क्या इस बार आपका skx/sx आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हुआ कि नहीं। देखिए जैसे जीरो किया k0 + kxd / 0 + dx, देखिए एक्स और डी दोनों कट गया, आंसर हो गया k2। क्या आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, और आपको अलग से कुछ भी में एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ एक आपने जीरो किया, इसको जीरो किया, यहाँ से डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे लोग, a/2। तो यानी हमेशा आप इस वाले टर्म को जीरो करने के बजाय आप एक जिससे इंडिपेंडेंट बोलेगा उसको कैंसिल आउट कराने के चक्कर में पड़िएगा कि वो अपने आप कैंसिल हो जाए, ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाए, तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी, बड़ी ही समस्या हो जाएगी, और फिर आंसर ले आने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ से आया d = a/2, ये आपका देखिए a = d/2, सॉरी वो उल्टा मैंने लिख दिया, ये देखिए a = आपका हो गया d/2 जो कि पहला ऑप्शन है इसमें, देखिए ये पहला ऑप्शन लिखा हुआ है d a = d/2। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ एक सवाल हमने आज डिस्कस किए,
डीपीपी आपका डीपीपी वन के हैं, ये दोनों सवाल डीपीपी सीक्वेंस और सीरीज के डीपीपी टू के सवाल हैं, ठीक है। जो ये नए दोनों सवाल हमने किया है ना, वो डीपीपी टू के सवाल है, ठीक है बच्चे लोग। तो हमने आज कुछ सवाल डिस्कस कर लिए हैं, डीपीपी वन के दो सवाल और डीपीपी टू के कुछ दो सवाल हमने डिस्कस किए हैं। देखिए ये दोनों सवाल आपके डीपीपी टू के हैं, ये भी डीपीपी टू का है, ये भी डीपीपी टू का है। अरे यार क्या हो क्या रहा है, ये ब्लैक स्क्रीन हो जा रही है बार बार, हो क्या रहा है ये। देखिए ये अब तो कुछ गड़बड़ ना हो भाई, बस ये हो गया डी। अरे क्या चल रहा है ये, जब सिस्टम ही हैंग कर गया। तो मतलब लास्ट के दो सवाल जो A6 और A7 किया है हमने, वो आपका डीपीपी टू के सवाल है, और उसके ऊपर के जो दो सवाल किए हैं C2 और C3, वो डीपीपी वन के सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग वीडियो देखें, उसमें फिर अगर कुछ और भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, किसी और भी प्रॉब्लम का आपको आंसर चाहिए जानना हो, तो आप बिल्कुल नीचे डेफिनेटली निश्चिंत होकर कमेंट करें, आपको और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। मे बी आप प्रॉब्लम राइट डाउन भी कर सकते हो कमेंट में, ताकि हम उस कमेंट को पढ़ें और उस प्रॉब्लम को उठाएं और उस प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे डिस्कस कर दें, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।